दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी फॉर्चूनर लीजेंडर में हैं, 4x4 जो है, और लोगों का ये रहता है कि ऑटोमेटिक गाड़ी हमेशा कम से कम एवरेज देती है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी है और हम लोग हाईवे में हैं और सुबह से ही चल रहे हैं। हमारी गाड़ी कभी मतलब 12 से नीचे का एवरेज तो नहीं दी है। अभी आप देख सकते हैं क्या एवरेज दे रही है, 13.6 का एवरेज दे रही है। तो ये सब कुछ निर्भर करता है आपके ड्राइविंग पे, आप कैसा ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें आपका RPM और आपका स्पीड अगर ये दोनों मैच करता है चलाने के हिसाब से, तो गाड़ी हमेशा अच्छा एवरेज देगी, जो कि आप देख सकते हैं 13.7 हुआ है। और गाड़ी का स्पीड भी आप देख सकते हैं, RPM भी चेक कर सकते हैं। हमेशा आप 2000 RPM के नीचे ही ड्राइव करें अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो। उसमें आप चलते हैं तो आपकी गाड़ी का स्पीड भी 80-90 के करीब रहेगा और गाड़ी का जो बेस्ट एवरेज होगा वो निकल के आएगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा 1700-1500 के ही RPM पे गाड़ी चलाएं तो एवरेज अच्छा खासा निकल के आएगा। आप देख सकते हैं हम लोग सिटी में हैं और गाड़ी का अभी माइलेज आप देख सकते हैं 8.3 लीटर पर किलोमीटर है। तो गाड़ी का एवरेज निश्चित है कि आप सिटी में आएंगे तो कम हो जाएगा और हाईवे पे चलेंगे तो बढ़ेगा। वो भी है, अच्छा ट्रैफिक अगर रहता है तो एवरेज बहुत कम हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं काफ़ी एवरेज कम हो गया, जो 13 पॉइंट कुछ का एवरेज दे रही थी अभी 9.34 का एवरेज है। तो आज हम लोग लगभग 10-11 घंटे से हम लोग यात्रा कर रहे हैं और ड्राइव भी मैं कर रहा हूँ 10 घंटे से। बीच बीच में कहीं हम लोग रुके भी हैं नाश्ते के लिए, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे से केवल हम चला ही रहे हैं। तो गाड़ी चलाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है 10 घंटे का, वो काफ़ी अच्छा है कि भाई टोयोटा की गाड़ी है, फॉर्चूनर लीजेंडर है, तो आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में वैसे भी आराम रहता है, एक पैर तो आपका ऐसे ही फ्री रहता है और एक पैर से आपको बस एक्सीलेटर और ब्रेक दो काम करना है। और अगर कहीं कहीं अच्छा रोड मिल जाता है, जैसे एक्सप्रेसवे भी आजकल हम लोगों की तरफ खूब चल रहा है यूपी में, तो वहाँ क्रूज में भी लगा के हम लोग छोड़ देते हैं कि भाई 80-90 में गाड़ी चल रही है, तो क्रूज लगा दी, आराम से बैठ गया, दूसरा भी पैर फ्री हो गया। तो 10 घंटे में काफ़ी अच्छा हम लोगों को लगा है कि गाड़ी भी चला लिए और मौज मस्ती भी हुआ है, कहीं रुके हैं, नाश्ता खाना सब कुछ हुआ है और काफ़ी अच्छा लगा आज गाड़ी चला के और सबके साथ बैठ के। तो आज का वीडियो यही है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम लोग और भी वीडियो बनाएं और आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।